देवर और भाभी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है क्योंकि भाभी माँ समान होती है। पर क्या हो जब देवर को अपनी भाभी से ही प्यार हो जाए और दीवानगी सर पर ऐसी चढ़े कि भाई भाई को ही जिंदा ना छोड़े। ऐसा ही एक मामला आज हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, पर क्या आपने कभी सुना है कि प्यार शैतान भी होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक जिले में युवक ने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया और भाई की मृत्यु के बाद चुपके से अंतिम संस्कार करने को आतुर हो गया। मतलब कोई अपने सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, सोचने वाली बात है। दरअसल ये जिले के थाना कुकदूर इलाके का मामला है। बांगर गांव में पंचम श्याम का बड़ा बेटा बिरसु राम पत्नी और परिवार के साथ खुशी से रहता था, लेकिन घर के छोटे बेटे भीम श्याम की नजर अपने बड़े भाई की पत्नी पर थी, यानी खुद की भाभी पर। जानकारी लगने से बड़ा भाई काफी परेशान था और अत्यधिक शराब का सेवन करने लगा। बिरसु अधिक शराब सेवन करके घर आया। इसका फायदा उठाकर छोटे भाई भीम श्याम ने अपने बड़े भाई की तेल से मालिश करने के बहाने से गला दबाकर हत्या कर दी। बड़ा भाई बाप समान होता है और भाभी माँ समान, लेकिन ऐसा करके छोटे भाई को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसने सारी हदें पार कर डाली और फिर अपने कुछ करीबियों को जानकारी दी कि बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो गई है। इस सूचना के बाद मृतक भाई के शव को लेकर अंतिम संस्कार करने चला गया। लेकिन जैसे ही गांव वालों को इस बात की खबर मिली, उन्होंने बिरसु की मृत्यु का कारण पूछा, लेकिन यहां छोटा भाई फंस गया। उसने अलग अलग जवाब दिया, जिसकी वजह से गांव वालों की नजर में आरोपी छोटा भाई शक के दायरे में आ गया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस के डर से आरोपी ने मृतक के बड़े भाई के शव को घर वापस ले आया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार बारीकियों से जांच कर आरोपी छोटे भाई भीम श्याम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से एक बात तो पता चल गई कि परिवार का एक सदस्य अगर गलत है तो उसकी वजह से पूरा परिवार टूट सकता है।